सारा सकीना जो 22 साल से लोगों के दिल में बसे हुए थे, इस कदम और इस कायम बैठे हुए थे कि बॉक्स ऑफिस पे जादू का नशा जम गया। और हम भगवान और ऑडियंसेस की बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें तारा और सकीना को दोबारा इतना प्यार दिया और इतनी चाहत दी। तो सलमान इज ऑलवेज फन एंड ही इज अ लवली ह्यूमन बीइंग, वो दोस्तों का दोस्त है, सो आई'd लव टू वर्क विद हिम ऑल ओवर अगेन। हेलो एंड वेलकम टू देसी मार्टनी, मैं हूँ शिवानी और आज हमारे साथ है गदर टू स्टार अमीषा पटेल। सबसे पहले है अमीषा पटेल, हेलो हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बस आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू, आई होप ऑल वेल विद यू। सब कुछ बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, गदर टू Z5 ग्लोबल की ये मूवी बहुत कमाल कर रही है, बहुत इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बॉक्स ऑफिस के, 65 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इसकी रिलीज को, उसके बावजूद लोगों के सर पे इस मूवी का भूत जो चढ़ा हुआ है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैसा हाँ, लग रहा और थिएटर में और भी चलता और गदर को निकालते ही नहीं थिएटर में से, तो ज्यादा लोग देखते हैं। एक्चुअली इतने मुझे ट्वीट्स और डीएम्स और इंस्टाग्राम कमेंट्स आते हैं कि मैम व्हाई इज गदर मिसिंग फ्रॉम द थिएटर्स, वी वांट टू सी गदर मोर। एक गदर एक फेस्टिवल जैसी हो गई थी जब रिलीज हुई थी, इट वाज जस्ट नॉट अ फिल्म, इट वाज अ फेस्टिवल। लोग 15-15-20 फैमिली जन जा रहे थे देखने के लिए, हिस्ट्री रिपीट हो रही थी दोबारा। जैसे कहते हैं ना कि बॉलीवुड में अगर एक फिल्म ने आईसीयू से फिल्म इंडस्ट्री को निकाला, बॉलीवुड को निकाला, ऑक्सीजन इन्फ्यूज कर दिया, ऐसे ऐसे बिल्कुल टैग हमें मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत इनकरेजिंग लगता है कि तारा सकीना जो 22 साल से लोगों के दिल में बसे हुए थे, इस कदम और इस कायम बैठे हुए थे कि बॉक्स ऑफिस पे जादू का नशा जम गया, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जब आप गदर टू की शूटिंग कर रहे थे तो उस टाइम आपको आइडिया था, मतलब ये वैसे सबको पता है कि गदर टू हिट होगी, लेकिन क्या आपको आइडिया था ऐसे हिट हो जाएगा कि लोग पागल हो जाएंगे गदर टू को देखने के लिए? देखो, मैं बहुत जगह जाती हूँ, मैं बहुत लोगों के साथ, आम आदमी के साथ भी इंटरेक्ट करती हूँ, बहुत इवेंट्स करती हूँ, ओकेजन्स जहाँ 15-15 लाख, 10,000 लोग, 7,000 लोग भीड़ भाड़ में, और जब भी मैं जाती थी कभी भी तो लोग बोलते थे कि हमें गदर टू चाहिए। तब तब गदर टू कोई थॉट प्रोसेस में भी नहीं था कि हम बनाने वाले थे। और जब अनाउंसमेंट हुई 2021 में दशहरा के दिन, तो उसके बाद रिलीज तक जहां पे भी मैं गई, लोगों ने जहां पे भी मैं गई, लोगों ने गदर गदर मैम, गदर 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 गदर, तो इतना तो मालूम था कि ये वन टाइम व्यूइंग के लिए लोग क्यूरियोसिटी की वजह से, पुराने प्यार की वजह से, नॉस्टैल्जिया की वजह से जरूर आएंगे। तो ये अच्छी तो जाएगी, क्योंकि जितनी भी खराब फिल्म बनाओ आप, तो एक बार देखनी है, लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लव, अटैचमेंट, लॉयल्टी तो आएंगे तारा सकीना के लिए, लेकिन इतना प्यार देके, इतनी फैमिलियों के साथ 15-15-20 बार देखेंगे, टिकट बुकिंग एडवांस इस तरह होगी, हाउसफुल के बोर्ड्स लगेंगे, दोबारा वही दौर सिनेमा को देखने मिलेगा जो उन्होंने 20-22 साल पहले देखा था, जो कम हो गया था बिल्कुल, सिंगल स्क्रीन्स में जी नाचना गाना, सीटों को फाड़ना, सीटियां, ये सब, ये दौर गदर वापस लाएगी बॉलीवुड में, ये हमने कभी सोचा नहीं था। और हम भगवान और ऑडियंसेस की बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें तारा और सकीना को दोबारा इतना प्यार दिया और इतनी चाहत दी। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि गदर टू के हिट होने के बाद जैसे कि रिस्पांस देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द गदर 3 भी आने वाली, इवन कुछ लोग तो ऐसे जो 4-5 के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये समझे कि आने वाले टाइम में हमें गदर 3 देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, बनी तो चाहिए, ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, उनको बनानी है या नहीं, क्योंकि राइट्स उनके पास है, और क्यों नहीं, उन्होंने इतना दम लगा के 22 साल बाद रिस्क लेके गदर 2 बनाई, तो ये इनका हक ही बनता है गदर 3 बनाए, गदर 4 बनाए अगर लोगों ने पसंद किया। लेकिन अगर गदर बनी, गदर 3 मुझे अगर ऑफर की गई, तो दो चीजें मैं जरूर चाहूंगी, अगर मुझे ऑफर की गई तो, जो मैं ऑडियंस के हिसाब से समझ पा गई हूँ, कि एक तो तारा सकीना
क्या संगत की संगत, कि क्या रोमांस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत मिस किया, जितना भी देखा बहुत ज्यादा प्रेम और प्यार दिया उनको, और वो चाहते कि तारा सकीना उनकी जान और इनो सांस और धड़कन है, तो वो उनको ज्यादा देखे। तो एक ये तो होना पड़ेगा। और आप देखोगे कि डायरेक्टर हमारे बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कभी डॉटर लॉ का एंगल लाया ही नहीं, क्योंकि फिल्म के कल्मिनेशन में जब फिल्म एंडिंग होती है तो कभी किसी ने डॉटर लॉ का एक एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि कोई डॉटर लॉ हो, क्योंकि वो उन्हें मालूम था कि तारा सकीना लोगों के दिल और दिमाग में एवरग्रीन है, और ये कोई टीवी सीरियल नहीं है सास बहू जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल, हिट टीवी सीरियल की, जहां आप एज गैप लो, जंप करो तो वो जायज चीज मानी जाती है। फिल्म और टीवी शोज बहुत अलग होते हैं, तो तारा सकीना को लोग कभी इन लॉज देखना नहीं चाहेंगे, वो हमेशा एवरग्रीन देखना चाहेंगे। और मैं तो मदर लॉ का रोल आते 10-15 साल के लिए तो करूंगी ही नहीं। तो यस, दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि तारा सकीना और दिखे गदर 3 में। रेस्ट ऑफ कोर्स, अगर गदर 3 बननी है, पाइपलाइन में है, ये सब तो प्रोड्यूसर्स के हाथ में है, इट बिलोंग्स टू देम, सो अल्टीमेटली इट्स देयर डिसीजन। शिवानी, अच्छा, एक बहुत लंबे लंबा टाइम। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है। मैं बस ये पूछना चाहूंगी अमीशा आपसे कि आप बहुत लंबे टाइम बाद दोबारा से सकीना बनी, ये जर्नी कैसी रही है आपकी, आपको कितना मजा आया सकीना बन के दोबारा? सकीना मेरे दिल और जहन से कभी उतरी ही नहीं थी, निकली ही नहीं थी। सकीना मेरे में हमेशा कायम ही रहती थी। पहली बार जब मुझे सकीना का किरदार करना पड़ा तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं एक नई लड़की थी, एक फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, मैं साइमल्टेनियसली कोहरा प्यार है की शूटिंग कर रही थी, मैं ये है जलवा सलमान के साथ कर रही थी, और मैं उसके साथ तेलुगु फिल्म पवन कल्याण के साथ कर रही थी। तो लेकिन वहां मैं सब यंग लड़कियों की रोल जो थी, एक कॉलेज स्टूडेंट के रोल कर रही थी, लेकिन गदर मेरे लिए एक सकीना का किरदार, 1940s में जाना, एक मुस्लिम लड़की, एक पाकिस्तानी लड़की, एक माँ, एक वाइफ, ये एक सीजन एक्ट्रेस का रोल था, और मैं एक फिल्म पुरानी भी नहीं थी। हालांकि जब रिलीज हुई गदर, तब 2-3 मेरी फिल्में रिलीज होके बहुत बड़े कल्ट हिट हो गए थे, तेलुगु में भी, होना प्यारे हिंदी में भी, लेकिन मैं बहुत अलग टाइप की फिल्में कर रही थी। तो तब मैंने बहुत मेहनत की सकीना को मेरे अंदर आने में, और वो मेरे मेरे एक बहुत दिल और दिमाग और शरीर का एक हिस्सा बन गई, एंड शी नेवर लेफ्ट। तो इस बार मुझे और सनी जी को, हम लोग भी कुछ क्लासेस नहीं किए, सिटिंग्स नहीं किए, रिहर्सल्स नहीं, तो आपने सनी जी और मेरा देखा, बस कोई सेट पे गए और हम लोग ने वैसे ही किया। तो इस बार हम लोग ने प्रिपरेशंस कुछ नहीं किए थे, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी ये किरदार 22 साल जीते गए हैं, और मैंने भी सकीना का किरदार 22 साल जीते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि सकीना, वो बहुत कम लोगों को ये खुश नसीबी होती है कि उन्हें एक मनचाहा किरदार, आइकॉनिक किरदार दोबारा प्ले करने मिला है। ना मुगले आजम, ना पाकीज़ा, ना शोले, किसी भी कल्ट फिल्म, ना मदर इंडिया, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को कभी उनके ये करियर की लाइफ ऑल्टरिंग आइकॉनिक फिल्म्स को दोबारा जीने का मोमेंट मिला। सनी जी और मुझे मिला, वे वेरी लकी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मीशा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब, जब आपका करियर का एक गाड़ी चल पड़ा है, तो अब ये बहुत ऊपर तक जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।